वेलकम टू द टॉक शो दोस्तों आज के टॉक शो में हम बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं। न्यूज में ले लो, जनता के मुंह पर ले लो या फिर कहीं भी ले लो, एक ही टॉपिक दुनिया में सभी के मुंह पर चल रहा है कि आदिपुरुष आदिपुरुष आदिपुरुष। अब भाई दुनिया ने सबसे बड़ा रोस्ट और दुनिया ने सबसे बड़ी कमियां जो इसमें निकाली गई है वो आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले। अभी तक अपने सब्सक्राइब करें और रोस्ट वर्जन में आपको टॉक शो पे आदिपुरुष करें। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दीक्षा मैडम और BNF टीवी के हमारे चाचा। तो सिर्फ दो ही बंदे आज हमारे साथ हैं, लेकिन मजा बढ़ाने वाले हैं। पता नहीं क्या सोच समझ के पिक्चर बनाई है, लेकिन हमारे ही जो पुराणों की कहानियों के हिसाब से, हमारे जो माइथोलॉजी के हिसाब से, ये कहानी को क्यों इस हिसाब से बनाया गया ये मुझे समझ नहीं आता है। कंट्रोल दुनिया भर में अगर किसी को रामायण की नॉलेज नहीं थी तो भाई हमारे किसी पड़ोस में आके किसी छोटे बच्चे से पूछ लेता रामायण में क्या क्या होता है, रामायण कौन है बाली कौन है सुग्रीव, भाई बाली सुग्रीव की लड़ाई हुई कैसे थी, ये भी आपको छोटा बच्चा बता देगा हमारी गली का। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई नुक्कड़ पे हमारे यहाँ दो रामायण एक साथ कंपटीशन होता है रामायणों का, और चाची ताड़का जाके उस ताड़का को देख लेते, कम से कम तुम्हारा वधी हो जाता खुद से ही। स्वरूप ना खानी दिखाई ना कुछ दिखाया, भाई किसे बोलते हैं कंगली रामायण, भाई सब कार्टूनिस्टिक रामायण जो की समझ नहीं आ रहा। VFX के नाम पे इन्होंने 600 करोड़ का बट्टा गोल कर दिया। 600 करोड़ में तो भाई साहब 1 करोड़ भी मेरे को दे देते ना मजा आ जाता। कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में भाई साहब 600 करोड़ की ऐसी करने वाले। -5 स्टार तो दीक्षा मैडम ने दिया। सुनो मैडम दीक्षा मैडम, आपके सबसे इसका रिव्यू कैसा लगा, कि क्या बोलना चाहोगे इसका? तो ये 600 करोड़ की डब्बा फिल्म बनाने वाले लोग पब्लिक को बताना ही भूल गए वाजी। और तो और विभीषण इस रामायण के युद्ध में कितना जरूरी था, साला ये भी नहीं समझाया इन लोगों ने, मतलब हद होती है यार कामचोरी की। अब भाई आप भी अपना रिव्यू बता ही दो। तो ये आदिपुरुष मूवी एक तरीके से वाल्मीकि के रामायण का एडाप्टेशन है। 3 घंटे की स्टोरी होने के बाद भी ये पूरी स्टोरी के कुछ मेजर पॉइंट्स को ही दिखाती है, जिसको ओवरऑल बाहुबली के रूप में ढालने की कोशिश की। एकदम एपिक वाले मोटिवेशनल डायलॉग, फ्लैशी और एकदम कूल दिखने वाले फाइट सीन, ऐसे इरादे थे उनके। चलो मोस्ट फनीएस्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। फनीएस्ट पॉइंट पहले मैडम आप बताओ कि आपका सबसे मोस्ट फनीएस्ट पॉइंट क्या रहा, उसके बाद। लेकिन अपने होशियार फिल्म मेकर्स एक लेवल ऊपर चले गए और इन्होंने मेघनाथ को फ्लैश बना दिया लिटरली। मैडम भाई अब आप बताओ कि क्या रहा आपको सबसे फनीएस्ट पॉइंट, कौन सा लगता है? ग्रीव वर्सेस बाली की फाइट है। प्लेस्टेशन की तो बात ही छोड़ दो, मोबाइल के ग्राफिक्स उससे बढ़िया होते हैं और ये चीज अप्लाई होती है बाकी की पूरी मूवी के अंदर, जहां पर भी दो CGI कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। मैं बताऊं तो मेरा फनीएस्ट पॉइंट सबसे बड़ा ये था कि भाई रावण हथौड़ा चला रहा था और कोई काम धंधा नहीं बचा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो फिर अगले पॉइंट की बात करें तो भाई मूवी के अर्निंग सोर्स का इतना बड़ा लेवल कैसे क्रिएट हो गया और इतनी बड़ी वाइब्स कैसे क्रिएट होगी, पहले मैम आप बताइए। 600-700 करोड़ का जो लॉलीपॉप पकड़ाया पब्लिक को, जिस वजह से लोग भाग के गए थे थिएटर अपने रामायण को एक नया जन्म लेते हुए देखने, उनकी श्रद्धा के साथ जो चीटिंग की गई है बेईमानी, इसका हर्जाना फिल्म वालों से पूरा वसूल किया जाना चाहिए। बीना भाई आप भी कुछ बताओ यार, कुछ अलग सा बताओ। और ये बात सिर्फ आदिपुरुष तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिसेंट एग्जांपल भोला ले लो। बार बार ये डिसीजन लेने वाली गलतियां क्यों होती है? मूवी का बेसिक VFX ठीक नहीं होता लेकिन फिर भी 3D में बनाना है क्यों? जो पैसा तुम लोग 3D में खर्चा कर रहे हो उसको VFX में लगा दो। लास्ट रिलीज दोस्तों इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मूवी कैसी भी हो, अगले बंदों ने हनुमान जी के लिए सीट छोड़ी, अगर हनुमान जी मूवी देख लेंगे तो भाई साहब सबसे पहले तो भाई मूवी डिलीट करवा देंगे पूरे वर्ल्ड। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन जहाँ पे हनुमान जी और राम जी की जो कथा की है, जो हमारे पुराणों लिखी हुई कथाएं हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे शहर में आइए, मैं आपको रामायण दिखाऊंगा। दो कंपटीशन होते हैं, दोनों कंपटीशन के दोनों एक एक दिन रामायण दिखाऊंगा भाई साहब, दोनों में बहुत मजा आता है और जनता बैठ के देखते हैं वो रामायण, और लोगों की एक्टिंग एक्सट्रीम लेवल पे तो मजा आ रहा था देखने के बाद। इससे अच्छे तो वो देखो और मजे लो, और एंड में दशहरे वाली साइड तो 4 दिन हनुमान जी के होते हैं, मतलब आई लव यू आई लव दैट डेज, वो देखो आप उसमें मजे लो। इससे वीडियो तो आप माहौल है वो हमारे पास मिलेगा आपको, आदिपुरुष में जाके अपना पैसा बर्बाद नहीं करो कहीं भी हो। एंड में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टॉक शो दोनों को भाई, इतना ही है कि भाई मूवी मत देखो दोस्तों ये वाली, क्योंकि पैसा बर्बाद तो हो ही रहा है, वक्त भी बर्बाद करोगे अपना, गेम खत्म है दोस्तों। अभी तक इस वीडियो में भी इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।